फ्रेंड्स, जेडेन इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कम्यूटेटर आया है क्लेरियन कंपनी का, और इसको लाइन देने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लाइन दे दिया। देखिए इसका जो डिस्प्ले है वो चालू नहीं हो रहा है, और कोई भी साउंड वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको कॉल के आप लोगों को दिखाते हैं इसमें एक्चुअली फॉल्ट क्या है। और कस्टमर ने बताया कि इसको इस होम थिएटर में ब्लूटूथ किट को भी फिट कर देने के लिए, तो इसको भी कैसे फिट करना है आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन कर लिया पीसीबी को। देखिए यहाँ पर एक 7805 का एक रेगुलेटर था 5 वोल्ट का, देखिए यहाँ पर, और वो शॉर्टिंग था और 4 पिन का था। तो मेरे पास अभी 4 पिन का जो रेगुलेटर आईसी है वो नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसमें 3 पिन का आईसी लगाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए ये वाला 4 पिन का रेगुलेटर आईसी था। ठीक है, देखिए इसका जो पहला पिन है आपका इनपुट का 12 वोल्ट जो इनपुट होता है यार, दूसरा पिन है आपका आउटपुट का, और तीसरा पिन ग्राउंड, और चौथा पिन है ऑन ऑफ पिन। ठीक है, ऑन ऑफ कंट्रोलर पिन। तो मैंने जो 3 पिन का आईसी है रेगुलेटर आईसी, इसको लगाऊंगा 7805 का। ठीक है, तो आइए इसको कैसे लगाता हूँ आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, देखिए अगर आप लोग कोई उल्टी सीधा अगर लगा देते हैं या यहाँ पर, तो पीसीबी में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, देखिए 7805 का जो 3 पिन और 4 पिन का जो आईसी है, और इसमें 4 पिन का और 3 पिन का आईसी में डिफरेंस होता है पिन में। तो आइए कैसे इसको लगाना है आप लोगों को बताते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी है मैंने यहाँ पे लगाया है 3 पिन का। पहला पिन पॉजिटिव के लिए 12 वोल्ट, और दूसरा पिन देखिए ब्लैक कलर लगाया ग्राउंड के लिए, और तीसरा पिन येलो कलर लगाया आउटपुट के लिए। ठीक है, तो इसको आपको पीसीबी में सोल्ड करना है। देखिए कहाँ कहाँ सोल्ड करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, देखिए इनपुट का जो वायर है 12 वोल्ट का, देखिए आपको यहाँ पे लगाना है 1 नंबर के साथ, जहाँ पे पहला पिन था, और जो आउटपुट है देखिए आउटपुट को आपको 2 नंबर पे लगाना है। यहाँ पे आपका आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट, और 3 नंबर पे आपको लगाना है ग्राउंड के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ ग्राउंड, और 4 नंबर तो इसमें नहीं है ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं चालू होता कि नहीं, इसके बाद ब्लूटूथ किट को लगा के दिखाएंगे आप लोगों को कहाँ पर ब्लूटूथ किट को लगाना है। फ्रेंड्स, इसको अभी लाइन दे के देखते हैं वो चालू होता कि नहीं। देखिए मैं इसी को लाइन दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वो चालू हो गया डिस्प्ले। तो अभी इसको ब्लूटूथ किट लगा के आप लोगों को साउंड कैसा है इसका वो भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास जो ब्लूटूथ किट है छोटा किट, और इसमें देखिए कहाँ कहाँ वायर लगाया मैंने। देखिए ग्राउंड के लिए ब्लैक वायर, और 5 वोल्ट के लिए रेड वायर। देखिए यहाँ पर बीसीसी पे लगाया, और राइट और लेफ्ट के लिए देखिए मैंने 2 और छोटा छोटा वायर लगाया। ठीक है, तो इसको कहाँ लगाना है देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको इनपुट पे लगाना है, बॉक्स का जो इनपुट होता है यहाँ पर लगाएंगे, और जो मैंने जो 7805 का रेगुलेटर आईसी लगाया यहाँ पर इसको लगाएंगे 5 वोल्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले इनपुट को लगाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इनपुट को लगा लिया, देखिए वो भी 5 वोल्ट के लिए
जो रेगुलेटर आईसी लगाया था मैंने यहाँ पे लगाएंगे। ब्लैक वाले वायर को ग्राउंड ग्राउंड के साथ लगाना है। और जो रेड वाली वायर है, देखिए मैंने जो येलो कलर वायर लगाया आउटपुट के लिए 5 वोल्ट, इसके बाद इसको लाइन दे के देखते हैं वो चालू हुआ कि नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फाइनली वो रेडी हो गया। देखिए मैंने ब्लूटूथ से भी इसको कनेक्ट कर लिया मेरे मोबाइल से, वो भी इसको चला के आप लोगों को दिखाते हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, वो कनेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास इसका जो छोटा स्पीकर है वो नहीं है, इसलिए सिर्फ ये जो साफ ऊपर है वही चल रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, और आने वाला दिन और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी दूसरी वीडियो के साथ।